मंगलेश डबराल हैं। उनका जन्म टिहरी गढ़वाल जिले के काफलपानी गांव में 16 मई 1948 में हुआ। ढाई दशक पहले वे दिल्ली आए और उन्होंने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रों में काम किया। बाद में वे भोपाल से प्रकाशित पूर्वग्रह के सहायक संपादक हुए। इसके बाद 6 वर्षों तक इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित दैनिक अमृत प्रभात में सहायक संपादक पद पर कार्य किया। जनसत्ता में रहकर उन्होंने रविवारीय साहित्य, कला और चिंतन के पत्रिका खंड का सफल संपादन किया तथा जनसत्ता के माध्यम से हिंदी पाठकों को भारतीय और विश्व साहित्य से निरंतर संपर्क में रखा। मितभाषी, सरल सौम्य व्यक्तित्व के मालिक, विनम्र किंतु अपनी मान्यताओं में दृढ़ मंगलेश डबराल आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कवि इसलिए भी हैं कि उन्होंने कविता की दुनिया में कई नए अछूते अनुभव जोड़े। उनके शब्द संवेदना के खरेपन का आईना है। वे उन कुछ चर्चित कवियों में हैं जिनकी कविताओं में प्रवेश करके पाठक जिस दुनिया में पहुंचता है वह पाठक को अपनी ही दुनिया दिखती है। उनकी कविताएं इंसान के तमाम तरह के रागात्मक पक्षों को विषय बनाती हैं और उनमें देशज महक भी है। अब तक उनके 4 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल ने राजस्थान के शिक्षक कवियों की कविताओं के संकलन रेत खड़ी का संपादन भी किया। विश्व कविता से ब्रेख्त, हॉन्ग मैग्नस, एनसेस बर्गर जर्मन कवि, यानिस दिसोम यूनानी कवि, ज़िग्नियेव हेरबेथ, तदेउश रूजेविच पोल्स्की कवि, पाब्लो नेरुदा, एर्नेस्टो कार्डिनल स्पहानी कवि, डोरा गाबे इस्तांका पेंचेवा बल्गारी कवि आदि की रचनाओं के अनुवाद। वे जर्मन उपन्यासकार हरमन हेस के उपन्यास सिद्धार्थ और बांग्ला कवि नवारुण भट्टाचार्य के संग्रह यह मृत्यु पत्रिका नहीं है मेरा देश के सह अनुवादक भी हैं। मंगलेश मूलतः कवि है लेकिन उन्होंने साहित्य के साथ साथ सिनेमा, संस्कृति, विचार विमर्श और संचार माध्यमों से जुड़े बहुत अहम मुद्दों पर लगातार लिखा है। मंगलेश डबराल के कविता संग्रह आवाज भी एक जगह है पर बातचीत करने के लिए हमने उन्हें और कवि पंकज सिंह को आमंत्रित किया है। मंगलेश, आपको अपने पिछले संकलनों की तुलना में ये संकलन किन अर्थों में भिन्न लगता है? और जब मैं ये एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ तो जाहिर है कि इसके पीछे मेरी ये जानने की भी इच्छा है कि एक कवि का जो आत्मसंघर्ष होता है और जीवन के जिन अनुभवों को जिस तरह, जिस कीमियागरी से, जिस प्रक्रिया में वो रचना का अनुभव बनाते हैं, तो क्या उन स्तरों पर आपको पिछले संग्रहों की कविताओं की तुलना में इन कविताओं की रचना प्रक्रिया में कोई बदलाव दिखाई दिया? पंकज, आपके इस सवाल का जवाब तो एक रचनाकार के रूप में मेरे लिए देना मुझे लगता है कठिन है। इस रूप में कि आलोचक या समीक्षक या पाठक ही इसका शायद बेहतर जवाब दे सकते हैं कि इस संग्रह में पिछले संग्रह के मुकाबले एक कवि कहाँ पहुँचा है, या उसने कोई नई ज़मीन देखी है, या उसका कोई विकास हुआ है, या कि उसका पतन हुआ है। तो ये कहना तो कुछ कठिन है, कम से कम इसका मूल्यांकन तो और भी मुश्किल है एक कवि के लिए जो कि शायद कविता के भीतर ही रहता है। और वो तो मुझे लगता है कविता के भीतर रहकर उसका मूल्यांकन कर पाना एक कवि के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ आहटें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बता सकता हूँ और कि मुझे कैसा लगा।
एक तो मुझे लगता है कि जब एक कवि का कोई संग्रह प्रकाशित होता है तो उसे इस तरह का अनुभव शायद होता है कहीं ना कहीं कि वो एक चीज़ से मुक्त हो गया, वो अनुभव के एक दौर से बाहर निकल आया, वो जैसा भी अनुभव हो, वो एक पड़ाव पर था, अब उससे आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो शायद हर नए संग्रह के साथ ये एहसास तो होता है। और इस संग्रह की कविताओं के लिखे जाने की जो प्रक्रिया रही है, और उसके बाद जब मेरे पास ये कविताएँ जमा हो गई तो मुझे लगा कि अगर ये पुस्तक के रूप में नहीं आएंगी तो मैं इन्हीं के साथ शायद कहीं रुका हुआ रह जाऊँगा। इनको मुझे प्रकाशित करके समाज में या अपने पाठकों तक या कि वो शायद जो भी है, जो भी पाठक वर्ग है और जो भी समाज है, उस तक मुझे पहुँचाना चाहिए। और ये इसे रोक कर रखना वो शायद मुझे लगता है एक कवि के रूप में ये मेरी एक तरह की गैर जिम्मेदारी होगी। पत्रकार के तौर पर जिस समाज को आप देखते हैं और कवि के तौर पर जो समाज आपका है, ये किस धरातल पर एक होते हैं और ये एक कवि के तौर पर आपकी कितनी मदद करते हैं या ये सब कई तरह के समाज मिलके आपको कहीं लगता है कि आपकी कविता को क्षतिग्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं आपको? आपके इस सवाल में असल में कई सवाल हैं और बड़ा उलझा हुआ ये मामला है। असल में क्या है कि जो जिसे आपने रचना का जीवन कहा है, तो वो दरअसल रचना का जो जीवन है वो रचनाकार की मृत्यु है। तो रचना का जीवन जो है वो शायद मुझे लगता है कि मैं जब एक कविता लिखता हूँ और उसमें जो चीज़ें पैदा होती हैं, उस अनुभव में से जो चीज़ें निकलती हैं, जो चीज़ें पैदा होती हैं, और जब वो कविता लिख ली जाती है तो शायद उसी समय जो है रचनाकार का वह जो क्षण था, वह जो अनुभव था, उस अनुभव की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रचना का जीवन शुरू होता होगा, और जो कि हम सब जानते हैं होता है। और लेकिन इसी बात को आप उसे मृत्यु क्यों क्यों कह रहे हैं? इसी बात को रघुवीर सहाय हाँ नहीं क्षमा कीजिएगा इसे बाधा के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक अनुभव जो रचना में व्यक्त होता है तो जिसको मैं उसका एक अगला जीवन कहता हूँ, उसको आप एक अनुभव की मृत्यु क्यों कहते हैं? तो उस कविता का जो जीवन है उसमें तो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो जो अनुभव है उस कविता से बाहर उसका अस्तित्व तो नहीं रहता है। आप उस एक कविता में उस अनुभव के अंत तक चले जाते हैं, उस अनुभव के पूरे जीवन को आप उसमें समाप्त कर देते हैं, उसके बाद रचना का जीवन शुरू होता है। अनुभव का एक रूप प्राप्त करना जी, या अनुभव का एक कविता की सीमाओं में सीमाबद्ध हो जाना आपके लिए उसकी मृत्यु है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं उस कविता की नकल नहीं कर सकता और मैं उस कविता को एक कविता जो मैंने लिखी है मैं उसकी तरह की दूसरी कविता अगर लिखने लगूं तो वो एक बड़ी हास्यास्पद कोशिश होगी और लगभग मृत प्राय एक जो कविता का जन्म होगा। तो मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। आप रघुवीर सहाय का कोई संदर्भ? तो रघुवीर सहाय जो हमारे समय के बहुत बड़े कवि थे और जिनसे हम सब लोग बहुत प्रेरित हुए हैं, उनका एक कथन यह है कि कविता हुई नहीं कि मरी। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये कथन बहुत बहुत मान्य रखता है, इसलिए कि एक कविता में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वे उसी कविता के भीतर अंततः उनका अंत भी हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव और वो तरकीबें, वो शिल्प, वो तमाम चीज़ें हमारी अगली किसी दूसरी कविता में काम नहीं आ सकती। उनसे अगर हम काम लेने की कोशिश करेंगे तो वो एक अत्यंत क्या कहते विफल कविता बन करके निकलेगी। आपके जो दूसरा मुझे लगता है सवाल है कि समाज से जो जुड़ा हुआ है और पत्रकारिता से, मैंने कई तरह के समाजों की बात की, आपके कवि का समाज और आपके पत्रकार का समाज, और हो सकता है पत्रकार का समाज जो है वो एक व्यापकतर वृहत्तर समाज है और कवि का समाज वो शायद एक उसके मुकाबले, उस दूसरे बड़े समाज के मुकाबले शायद एक छोटा समाज है। मुझे लगता है कि किसी भी समाज में से कोई भी व्यक्ति हमारा पाठक हो सकता है, और यही मुझे लगता है कि पाठक की
शायद सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बारे में हम नहीं जानते वो कौन है, और वो एक अमूर्त चीज अमूर्तन हाँ। वो एक ऐसी अमूर्त चीज है कि जो कि जो कभी फोकस में आ सकता है, और जब जब वो फोकस में आता है तब उसमें अमूर्त नहीं रहता, और जब वो फोकस से बाहर जाता है या कि जब तक फोकस में नहीं रहता है तब तक अमूर्त रहता है। नहीं, लेकिन अपनी रचना के प्रकार को एक कवि जितना समझता है, और समझता ही है, यानी एक एक रचनाकार की हैसियत से आप जानते हैं कि आपने जो सृजन किया है तो वो क्या है, बहुत दूर तक हम सब जानते हैं। तो रचना के प्रकार से एक पाठक का, चाहे वो जितना धुंधला हो, एक पाठक का रूप या उसकी एक छवि रचनाकार के मन में तो आती है। हाँ, लेकिन उस वक्त धुंधले होने में ही उसका उसका सौंदर्य नहीं था। हाँ, उसकी संभावना नहीं थी। जो चीज धुंधली है, हाँ, उस चीज में शायद ज्यादा संभावनाएं हैं। वो ठीक है, बनिस्पत इसके हाँ, जो चीज आपके सामने हाँ, एक ठोस रूप ले चुकी है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण से ये बात बताऊं। जैसे जब शंकर शैलेंद्र ने हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है जैसी कविता लिखी, या फैज अहमद फैज की बहुत सारी कविताएं हैं, तो फैज के यहाँ या शैलेंद्र के यहाँ आप देखें कि तमाम रंगों की रचनाएं हैं, लेकिन जब शंकर शैलेंद्र वो लिख रहे थे, या फैज बहुत मुखर राजनीतिक कविताएं लिख रहे थे, तो उनके सामने ये स्पष्ट था बहुत दूर तक कि उनका पाठक या इन कविताओं को दोहराने वाला कौन होगा। उनके उनके सामने ये स्पष्ट था कि उनका श्रोता या उनका पाठक जो है वो पूरी मनुष्यता है। वो तो है, वो तो बुनियादी है, वे पूरी मनुष्यता को संबोधित थे। हाँ। और जो खासकर उस मनुष्यता को जो शोषित वंचित और दलित है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी उम्मीद, आप अपनी उम्मीद को संबोधित थे। हाँ। तो ये तो शायद हर कवि के साथ होती है कि बात की वो अपनी उम्मीद और अपने शायद अपने स्वप्नों को, जिसमें कि बहुत बड़ा एक व्यापक समाज निहित है, उसको संबोधित होता है। लेकिन ये जो आपने जो पत्रकारिता वाली जो बात आपने कही, और मैं पत्रकारिता भी करता रहा हूँ और कविता भी लिखता रहा हूँ, और कई बार इन दोनों में से एक काम करना भी मुझे बहुत मुश्किल लगा है कि न तो पत्रकारिता मुझसे संभव है और न कविता लिखना, तब भी मैं थोड़ा बहुत दोनों चीज़ें एक तरह करता रहा हूँ। इस संग्रह की एक अंतिम कविता है जिसमें जो इस तरह की है कि जहाँ जहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ था शोर की तरह उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। एक इच्छा इसमें रखी गई है या एक मोटो रखा गया है कि जो कुछ भी शोर की तरह लिखा हुआ है जहाँ तहाँ उसको मैं संगीत की तरह लिखता। तो क्या मुझे लगता है कि पत्रकारिता और शायद कविता, उसमें शायद शोर और संगीत की एनालॉजी से अगर हम चलें तो थोड़ा शायद हम लोग ये इस बात तक पहुँच सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े शोर के बीच, जिसमें पत्रकारिता का जो शोर है, घटनाओं का, खबरों का, हादसों का, एक से एक बुरी चीज़ों का, और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं, चाहे वो राजनीतिक हों या सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, उनका ये दौर जो चल रहा है, ये मेरी कविता के संगीत में किस तरह से ये चीज़ें छन कर आती हैं और मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरे लिए कवि के रूप में शायद ज़रूरी है। जैसे मैंने एक कविता इसमें लिखा कि पाखंड तुम प्रसन्न हो कि तुम्हारे पास अब भी और भी तुम्हारे पास मुखौटे हैं, या धूर्तता तुमने किस तरह खोज लिया एक चोर दरवाज़ा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद कविता के रूप विधान में, एक कविता के विन्यास में मेरे यहाँ इसी तरह से आती हैं, और मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता ने मुझे कविता में बहुत मदद की है, और लेकिन ये मदद मेरे उस खास तरीके में ही है जिसमें मैं कविता लिखता हूँ। ये मुझे लगता है कि यहाँ एक जो मेरी जिज्ञासा थी और उसके उस पर जो आप कहना चाहते थे, जैसे आपकी कविताओं में दो तीन चीजों की चर्चा अक्सर हुई है, एक तरह की प्रगीतात्मकता और एक खास तरह का अवसाद, हताशा, एक दुख जो अंदर से बहुत जैसे कचोटने वाला दुख है, वो कोई स्थिर दुख नहीं है,
वो जैसे गतिशील दुख है, और इन सब चीजों के साथ जाहिर है कि आपकी कविता, आपने अभी जो कहा उसमें भी ये बात जाहिर हुई कि आपकी कविता इन सब चीजों को पैदा करने वाली स्थितियों के विरोध की और प्रतिरोध की कविता है। लेकिन ये प्रतिरोध या ये विरोध जो है, ये जैसे एक अंतरधारा की तरह वहाँ मौजूद है। और मुझे याद है एक दफा आपने कहा था कि मेरा अपना तरीका है विरोध करने का। लेकिन क्या आपकी कभी इच्छा ये नहीं होती कि जैसे जिन कवियों को हमने सराहा है और अभी जिनके नाम जैसे ब्रेक्स्ट हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, या पाब्लो नेरुदा हैं, या हिंदी में मुक्तिबोध, या नागार्जुन, या शमशेर अपनी अनेक कविताओं में, जिस एक मुखर विरोध का और एक स्वप्नशीलता, उम्मीद से भरी स्वप्नशीलता का सहारा वो लेते हैं, वैसा कुछ करने की आपकी इच्छा नहीं होती? असल में आपने काफ़ी, मुझे लगता है, बड़े कवियों के नाम लिए हैं, और शमशेर और लोग भी जिनसे हम लोग बराबर सीखते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रगीतात्मकता का सवाल आपने उठाया, तो मेरी कविताएं प्रगीतात्मक नहीं हैं। एक बात भी मुझे लगता है प्रगीतात्मकता को लेकर हिंदी में कुछ भ्रांतियाँ हैं शायद, और वो लिरिकल, अगर वो प्रगीतात्मक लगती हैं तो शायद इसलिए लगती हैं कि मैं एक संरचना और शिल्प के स्तर पर मैं चाहता हूँ कि कविता ऐसी हो जैसी कि हवा या पानी या आसमान या कोई पत्ती या कोई आग या कोई अच्छा स्वाद, यानी सहज और प्राकृतिक, अच्छा स्पर्श, सहज और प्राकृतिक और सरल और तरल, लेकिन संरचना के स्तर पर, सिर्फ ठीक अनुभव के स्तर पर नहीं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वे लगभग शिल्पीन हो, वो अपने शिल्प से स्वायत्त हो जाए। तो मुझे लगता है शिल्प से स्वायत्त कर पाना एक मेरा ये उद्देश्य रहा है, और इसमें मैं इसको अगर ये समझा जाता है कि प्रगीतात्मकता है तो मतलब समझा जाता रहे, क्योंकि वो है नहीं ऐसा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात, जो अवसाद की बात आपने कही या एक दुख की बात जो आपने कही, तो मेरा कहना ये है पंकज कि दुख और अवसाद जो हैं, मुझे लगता है कि जीवन और समाज में कई बार जो हैं वो एक बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। आपको शायद याद होगा ग्रामशी का एक बहुत मशहूर कथन है कि आत्मग्लानी एक क्रांतिकारी भावना है। तो आत्मग्लानी जो है, जो चारों ओर रोग, मृत्यु, भूख, शोषण और चारों ओर एक अत्याचार के बीच में अगर आप कोई आत्मग्लानी अपने होने की ग्लानी महसूस करते हैं, तो ये अपने आप में शायद ये क्रांतिकारी भावना है। और पश्चिम में तो मुझे लगता है कि विश्व युद्धों के बाद जो द सेंस ऑफ सर्वाइवल एंड द गिल्ट ऑफ सर्वाइवल, जो बचे रहने की ग्लानी है, वो इतनी ज़्यादा लोगों में रही है, और खुद ब्रेक्ट की अनेक रचनाएँ हैं वो इस तरह की भावना से भरी हुई हैं। एक हद तक शायद मुझ में ये है, और लेकिन वो ग्लानी या वो दुख या अवसाद, वो मेरे किसी निजी उससे नहीं निकला है, बल्कि वो हमारे समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक और यहाँ तक कि आत्मिक, जो आत्मिक स्थितियाँ हैं, जो यंत्रणाएं हैं, वो जो मुझे लगता है जो बाहरी दुनिया है, उसको अगर मैं अपने भीतर ला करके और अगर इन कविताओं में वो एक निजी अवसाद की शक्ल ले लेता है, तो तब भी मैं एक बाहरी यथार्थ का ही वर्णन कर रहा होता हूँ। मैं उसको इंटीरियराइज कर सकता हूँ, नहीं उतना मैं समझता हूँ। हाँ। मैं तो, सिर्फ ये पूछ रहा था, और ये जैसे क्रीड़ा कौतुक कई तरह के कवि करता है, तो मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाह रहा था कि इस सबसे अलग हटके, यानी एक एक उम्मीद की और ताकत की और उत्साह की,
यानी विरोध का ये एक ढंग है तो वो ज्यादा परिचित ढंग है और उस तरह की रचनाएं भी बड़ी रचनाएं हुई हैं। मैं इस मानी में तो वैसा कुछ करने का मन नहीं करता। मैं इस मानी में नागार्जुन जी की कविता जो है मैं उसको बहुत आदर्श मानता हूँ। कि हुए नहीं जो पूर्ण काम उनको मैं करता प्रणाम, एक उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। जो लोग विफल रहे, जो लोग रास्ते में गिर पड़े, जो लोग अपनी नाव लेकर एक अपनी छोटी सी नाव लेकर जो है समुद्र पार करने के लिए ले थे लेकिन वो रास्ते में ही डूब गए, जिनके तीर निशानों पर नहीं लगे, ये ऐसे ऐसे तमाम विफल लोगों की एक पूरी सूची जो है नागार्जुन गिनाते हैं और ये कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है कि महान एक महान कविता है और मैं अगर इसे लिख पाता तो शायद कितना अद्भुत होता। लेकिन ये इस तरह की कविता लिखना जिसमें कि एक एक उम्मीद हो, एक आशा हो, एक एक नारा हो, एक एक ये हो, ये भी लिखने की मेरी इच्छा होती है। लेकिन मैं उसके बदले लिख लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सड़क पर जो नारा लग रहा है वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। तो ये भी एक काम है। मैं अगर मैं उस नारे को चाहता हूँ कि वह बचा रहे जो कि सड़क पर हमको सुनाई दे रहा है और मैं वो नारा नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन मैं उसके बचे रहने की कामना कर रहा हूँ तो यह भी एक तरह का काम है। और लेकिन ऐसे साहित्य की ऐसी इस तरह की कविता की ज़रूरत को मैं कम करके नहीं आँक रहा हूँ। मुझे लगता है कि आदमी के संघर्षों में, समाज के संघर्ष में इस तरह की कविताएँ लिखी जानी चाहिए और वो भी ज़रूरी हिस्सा है हमारे साहित्य का। और शमशेर जैसे जो जटिल और द्रुह और अति यथार्थवादी कहे जाने वाले जो कवियों के कवि हैं उन तक ने अति यथार्थवादी से उनको चिढ़ थी। तो इस पूरे आंदोलन से खैर अभी हम इस बातचीत को जो कि बहुत मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी जो ये बातचीत रही बहुत सुखद रही है इसका समापन अगर हम इस तरह करें कि आप अपनी पसंद की कोई एक कविता इस किताब से जो मेरे हाथ पे अब तक इसमें तो आप इससे एक कोई अपनी कविता इसमें कोई मेरी पसंद की कोई कविता नहीं है। अच्छा तो मुझे लगता है बेहतर ये हो कि आप अपनी पसंद की कोई कविता इसमें से आपको सुना दीजिए। तो नहीं इसमें कविताएं तो खैर इन कविताओं से मैं परिचित रहा हूं और वो मेरे लिए हमेशा एक सौभाग्य की तरह वो स्थिति रही है। मैं एक दो बातें इसमें जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो संगीत संबंधी जो इसमें कविताएं हैं उसमें जैसे केशव अनुरागी जो कि एक ढोल वादक है या गुणान पथिक हैं जो कि हारमोनियम वादक हैं तो मुझे लगता है शिल्प के स्तर पर इनमें जो अलग अलग किस्म के एक तरह के प्रयोग हैं और उनकी और उन पर भी बातचीत जो है हम लोगों को इस बारे में करनी चाहिए। और इसलिए भी कि हिंदी में एक किसी रचना की जो एक संरचना है या उसका शिल्प है उसका जो विन्यास है और जो शिल्प विधियां हैं उनके बारे में बहुत कम बात होती है। तो हाँ बातचीत और ये बातचीत तो चलेगी मुझे मालूम है आपकी और मेरी और आपकी अपने अन्य समकालीनों से। ये कविता जो बहुत चर्चित भी है दुख इसे आप सुना दें। आप सुनाए नहीं नहीं आप नहीं आप नहीं, नहीं आप अपनी कविता आप सुनाए। दुख मैं धारण करता हूँ वे शब्द जो चखब की कहानी के साइस ने अपने घोड़े से कहे थे। मैं दुख हूँ देर रात को धीरे धीरे लौटता हूँ मुझ में सुख की स्मृतियाँ हैं मैं बना हूँ रसोई घरों में इकट्ठा हुए आंसुओं के नमक से। लोग छोड़कर जाते हैं घर द्वार अनजान दुनिया में भटकते निरुद्देश्य रोटी के बदले में बदल देते अपने नाम और विचार। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ सर पर एक गठरी उठाए हुए मैं थामता हूँ गिरते हुए कपड़ों को बचाए रखता हूँ खामोशी को। मैं एक विरोध पत्र हूँ जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं जो अब नहीं हैं। मैं सहेज कर रखता हूँ उनके नाम आने वाली चिट्ठियाँ। मैं दुख हूँ मुझ में एक धीमी कांपती हुई रोशनी है मुझ में से गुजरती हैं। इस हिस्से को फिर से सुना दें। मैं एक विरोध पत्र हूँ जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं जो अब नहीं हैं। मैं सहेज कर रखता हूँ उनके नाम आने वाली चिट्ठियाँ। मैं दुख हूँ मुझ में एक धीमी कांपती हुई रोशनी है मुझ में से गुजरती हैं छायाएं
और श्रद्धांजलियाँ गुजरते हैं, फूलों के हार और समवेदना के वाक्य जिनमें मुश्किल वक्तों का जिक्र होता है और आने वाले दिनों के बारे में एक उम्मीद जतलाई जाती है। धन्यवाद मंगलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।